हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी गोदारा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू मेरे फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने नमकीन चावल की रेसिपी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ 2 से 3 आलू, 2 छोटे छोटे कटे हुए प्याज, 2 टमाटर और थोड़ा सी मटर फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक पनीर लिया है मैंने, और हरा धनिया, शिमला मिर्च, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से पीनट्स और 2 से 3 हरी मिर्च और 1 नींबू का रस। तो फ्रेंड्स, और 1.5 गिलास मैंने यहाँ पर लिए हैं चावल, इनको अच्छे से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, और अब यहाँ पर मसाले लेते हैं, जो नॉर्मल मसाले होते हैं, सूखी हुई मिर्च, इलायची, जीरा और तेज़पत्ता और दालचीनी, जो पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, और नॉर्मल मसाले, नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, ये ही मसालों के साथ हम बनाएंगे। और ये है यहाँ पर घी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपनी गैस ऑन की और उसके ऊपर रखा मैंने अपना प्रेशर कुकर, और इसके अंदर मैंने डाला है घी। फ्रेंड्स, जो आपको डालना हो घी या ऑयल, उसमें ही हम बना सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाले अपने खड़े मसाले। तो फ्रेंड्स, ये जो नमकीन चावल की रेसिपी है, ये बच्चे और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आती है और सिंपल तरीके से भी बन जाती है। ये यहाँ पर मैंने लिए हैं पीनट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ को स्किप करना चाहते हैं या फिर आपको वो चीज़ ऐड नहीं करनी है और तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी चीज़ें ऑप्शनल में होती हैं ये सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर अपने चॉप में प्याज ऐड कर दिए हैं। और तो फ्रेंड्स, जो खड़े मसाले होते हैं उनको ज़्यादा नहीं भूनना होता, उनका कलर जो है ब्लैक हो जाता है, वो अच्छे नहीं लगते टेस्ट में भी, तो वो भून चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज भून चुके थे मेरे, और यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करे हैं। तो फ्रेंड्स, जो है हमें प्याज भी ज़्यादा नहीं भूनने चाहिए, बस उनका कलर चेंज हो जाए, 5 मिनट तक ही उन्हें भून लेना चाहिए, ताकि फिर छोंक में जो है हमारे कड़वापन आ जाता है इससे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, और नमकीन चावल जो है सभी को बहुत पसंद हैं और हर घर में बनाए जाते हैं, पर हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, अब ये जो टमाटर वो अच्छी तरह से भुन गए थे, मैंने इसके अंदर जो है हरी मिर्च ऐड करी है, और सारे मसालों को एक एक करके अब मैं इसके अंदर अपने टेस्ट के अनुसार ही डालने हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक ऐड किया है, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, और यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच लाल मिर्च, और हरी मिर्च तो मैंने ऐड की थी बट वो भी टेस्ट के अनुसार होती है, 1 चम्मच लाल मिर्च भी मैंने डाल दी थी, और गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, ये सारे मसाले जो सिंपल हैं और हर घर में मिल जाते हैं, उन्हीं के साथ बना रही हूँ आज मैं अपने नमकीन राइस। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर आकर हमें जो है कुकर को कवर करके रख देना है 5 या 10 मिनट के लिए, ताकि जो है हमारा छोंक अच्छे से तैयार हो जाए, और जो हमारा घी जो है वो, जो हमारा छोंक है वो घी को छोड़ दे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पर आकर हमें लगता है कि हमारा छोंक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर मटर ऐड की है। तो फ्रेंड्स, जो नमकीन चावल है सचमुच देखने में तो बहुत अच्छे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। यहाँ पर 1 छोटी शिमला मिर्च ऐड की है, इसके अंदर हम कुछ कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने अपने आलू जो मैंने लंबे लंबे पीसीज में कट कर लिए थे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई वेजिटेबल हमें ये ही डालनी है, इसके अलावा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट सिर्फ मसालों का आता है और अपने अपने हाथ का स्वाद आता है खाने में। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर जो 1.5 गिलास चावल लिए थे, चावल के लिए हमें ये पानी की जो मात्रा होती है और चावल का जो मात्रा होती है, बस दोनों चीज़ों को उसी पे निर्भर होते हैं कि हमारे चावल कैसे बने हैं। अगर हमें 1 गिलास चावल या 1 कटोरी चावल लिए हैं, तो उसके लिए मैंने 2 गुना पानी यूज़ किया है, 2 कटोरी या फिर 2 गिलास लोगे। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास अगर चावल लिए हैं, तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर
डेढ़ का जो है दुगना पानी लेती हैं, 3 गिलास पानी चावल उसी गिलास या कटोरी को लेना मेजरमेंट करने के लिए, बहुत सही है। ये गिलास जो मैंने 1.5 गिलास लिया थे चावल, इसके अंदर मैं 3 गिलास यूज़ करूँगी पानी के लिए। अगर आप इस तरीके से चावल बनाओगे तो फ्रेंड्स चावल जो है बहुत अच्छे बनेंगे और खिले खिले और टेस्टी चावल जो है आपके सामने बनकर तैयार हो जाएंगे। बाहर जैसे बिल्कुल, या फिर बोलो तो रेस्टोरेंट जैसे चावल हम घर पर ही बना सकते हैं। चावल बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये रंग वाइज भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब मैं इसके अंदर जो मेरा पनीर था, मैंने 1 पैकेट पनीर यूज़ किया है और उसी से ये चावल बहुत अच्छे दिखेंगे भी और खाने में भी। तो फ्रेंड्स जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे इसके अंदर मैंने वो ऐड कर दिए हैं। किशमिश ऑप्शनल में है क्योंकि इससे खट्टा मीठा टेस्ट जो चावल में आता है तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने नींबू का रस लिया है, 2 चम्मच, 2 बड़े नींबू के चम्मच यूज़ किए थे, और ये भी ऑप्शनल में है, अगर आपको डालना है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स 1 सीटी मेरे चावलों में मैंने लगाई है और मेरे जो चावल हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए नमकीन चावल बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बच्चों की और बड़े की सभी की फेवरेट डिश है ये खिले खिले नमकीन चावल। तो फ्रेंड्स ये देखिए, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चावलों को सर्व करना। चावलों को जो है फ्रेंड दही के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी भी तरह से खा सकते हैं और सैलेड के साथ। तो ये जो डिश है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनती है। वाओ यम्मी टेस्टी। तो देखिए फ्रेंड्स कितने डिलीशियस चावल बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। और मैं दोबारा से बता रही हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मज़ा लीजिए नमकीन चावलों का।